ठीक एक साल पहले जब दिल्ली विधानसभा में बजट पेश हुआ था, तब दिल्ली में कोरोना की दस्तक हो चुकी थी। कोरोना संबंधी आगामी चुनौतियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बजट में अलग से आवंटन की घोषणा भी की, लेकिन बाद के दिनों में जिस तरह कोरोना के मामलों में तेजी आई और स्थिति गंभीर हो गई, उससे स्पष्ट दिखा कि वो बजट, वो आवंटन नाकाफी है। अब जबकि दिल्ली सरकार फिर से अपना बजट लाने जा रही है, उम्मीदें हेल्थ क्षेत्र में आवंटन को लेकर है। बहुत अच्छा होगा। आम आदमी पार्टी सरकार ने हेल्थ के अंदर जो रिवोल्यूशन किया है, मैं आशा करता हूँ मनीष सिसोदिया जी जो इस बार बजट पर पेश करेंगे, हेल्थ के लिए और भी ज्यादा एलोकेशन की। सर बताया जा रहा है कि दोगुना करने की बात है। जो देखिएगा, बजट तो आने के बाद ही पता लगेगा, अभी तो हम आशा कर सकते हैं कि एलोकेशन अच्छी है। पिछले 5 साल में केजरीवाल सरकार ने जो हेल्थ के ऊपर मेहनत की थी, उसका असर इस पेंडेमिक में हमें लड़ने में फायदा मिला। दिल्ली के अंदर कभी भी बेड्स की हमने कमी नहीं होने दी। जिस दिन 8600 पेशेंट आए थे, पॉजिटिव पेशेंट आए थे, उस दिन भी दिल्ली के अस्पतालों के अंदर 8500 बेड वैकेंट थे हमारे पास। जबकि दिल्ली के अंदर इलाज कराने के लिए सिर्फ दिल्ली के पेशेंट नहीं हैं, दिल्ली से बाहर के राज्यों के लोग भी बहुत सारे लोग इलाज कराने के लिए आए हैं, और ये बिल्कुल हमारी मेहनत का फल रहा, केजरीवाल सरकार की मेहनत का फल रहा कि भी देखो लोगों का इलाज हम कर सकते हैं। कल बजट आ जाएगा और एलोकेशन अच्छी होगी। तो स्वास्थ्य मंत्री को उम्मीद है कि इस बार के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन बढ़ेगा। कोरोना के मद्देनजर होना भी यही चाहिए। देखने वाली बात यह होगी कि कल जब वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया बजट पेश करते हैं तो उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के खाते में क्या कुछ आता है। निरंजन मिश्रा, ईटीवी भारत, दिल्ली।